लास्ट टाइम हमने बर्नौलीज थ्योरम की थी, इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ काम दिया था, कितने लोग करके लाए हैं होमवर्क? बस दो ट्राई किए हैं, बाकी कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए। बर्नौलीज थ्योरम के क्वेश्चन दिए तो थे। अच्छा चलो बात बंद करो, साइलेंस प्लीज। ओके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम का फिर से, बात बंद करो प्लीज। क्वेश्चन है, ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड, थर्ड करना है। ओके प्लीज साइलेंस, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्वेश्चन इज that the reading of pressure meter attached with a closed water pipe is given, maybe शायद correction हो तब ये dark है, तो आपको question में given है कि कोई pressure meter है और एक closed water pipe है, अगर आप tap बंद रखोगे water pipe का तो pressure लगेगा उस point पर जहां पर आपने पानी को रोक के रखा हुआ है, और pressure बंद water pipe का कितने 3.5 into 10 की power 5। On opening the valve, तो मैंने टैप को खोल दिया, मैंने पानी के टैप को खोल दिया, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर इज रिड्यूस टू 3 into 10 की पावर 5। ऑब्वियसली टैप खोल दोगे, पानी चलना शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर कम हो गया, पानी को आपने निकाल दिया। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वॉटर, आपको स्पीड ऑफ द वॉटर निकालनी है, क्या होगी? तो इसमें प्रेशर, वेलोसिटीज, स्पीड, प्रेशर और स्पीड का एक ही रिलेशन है पानी के केस में बर्नौलीज थ्योरम, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि बिफोर ओपनिंग द वेल्व आपकी जो स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी, जीरो। कहां मूव करेगी? वो मूव ही नहीं करेगी, पानी मूव ही नहीं कर रहा, और अगर पानी मूव नहीं कर रहा, टैप बंद है, तो इसका मतलब है उसकी स्पीड जीरो। फाइनल स्पीड आपको निकालनी है, ये V2 आपको निकालना है। प्रेशर P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है, प्रेशर पहले कितना था बाद में कितना था गिवन है, और आपको कहीं नहीं गिवन कि पाइप को किसी पानी को किसी एंगल पे जाना है या किसी हाइट को टेल करना है, कुछ नहीं। हम एज्यूम करेंगे वाटर इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, एंड व्हेन वाटर इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली तो हाइट्स की वैल्यू क्या रहती है दोनों एंड्स पर, सेम। तो H1 = H2, तो बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, एच वाली टर्म्स कैंसल, P1 पुट करो, P2 पुट करो, डेंसिटी ऑफ वाटर SI सिस्टम में क्या होती है 1000, यहां से V2 निकाल लो, V2 की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? याद है, मतलब आइडिया क्लियर है कि जब टैप है, पानी बंद है, पानी चल रहा है, तो उस केस में वी कैन अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, बर्नौलीज थ्योरम के न्यूमेरिकल वैसे इजी हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल उसके न्यूमेरिकल रहते हैं, बस आइडेंटिफाई करना होता है कि, क्योंकि अभी तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो P1 है V1 है, लेकिन काफी लेट से 2 साल का सिलेबस जब इकट्ठा आना होता है ना, जब वाटर मूव करवाएगा, या तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्या विस्कोसिटी, पर आर्गुमेंटिस प्रिंसिपल सब मिक्स होना शुरू हो जाता है, अनलेस प्रैक्टिस नो, प्रैक्टिस है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बर्नौलीज थ्योरम है। अभी तो हम स्पेसिफिकली बर्नौलीज ही कर रहे हैं ना, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें लगनी बर्नौलीज है, और तो क्या लगेगा इसमें, मिक्सड मिसलेनियस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। चलो यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट हो गया था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, नहीं, पर ये बिल्कुल सेम है, इसको रहने देते हैं, ये वही क्वेश्चन है। एक टनल है, प्लेन है, प्लेन को लटका दिया, टनल में से विंड निकल रही है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है एरोप्लेन के ऊपर, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि व्हाट इज द प्लेन्स मास। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें प्लेन इज इन लेवल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 25, एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, एंड इफ द स्पीड ऑफ एयर इज गिवन एंड लोअर विंग इज ओवर द लोअर विंग एंड 234 ओवर द अपर विंग, तो अगर ये प्लेन है तो अपर विंग पे वेलोसिटी ज्यादा है, लोअर विंग पे वेलोसिटी कम है, तो बाय बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, प्रेशर की वैल्यू यहां पर कम है, तो ऊपर प्रेशर मान लो P2 है, नीचे प्रेशर मान लो P1 है, तो बर्नौलीज थ्योरम नीचे और ऊपर लगा लो, बिकॉज एयर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, हमने लास्ट टाइम किया था, यहां से वी कैन कैलकुलेट P1 - P2, याद है नेट प्रेशर निकाला था, नेट प्रेशर कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, यहां तक हमने डिस्कस किया,
तो अगर नेट प्रेशर ऊपर की तरफ है, नेट प्रेशर को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स को अगर मैं एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दूं तो मास आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, पहले बर्नौली थ्योरम लगाई और वेलोसिटीज को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, और एयर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली हमेशा की तरह, तो हाइट्स की वैल्यू दोनों एंड पर क्या लेनी है, एग्जैक्टली सेम हाइट सेम होगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हाइट वाला फैक्टर कैंसिल करके, P1 माइनस P2 एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, वेलोसिटीज पुट कर दी, वेलोसिटीज किलोमीटर पर आर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो आंसर 65 एंड 50 आ जाएगा। तो ये आपके पास नेट क्या आ जाएगा, प्रेशर, ठीक है ना यादव। तो नेट प्रेशर की वैल्यू आ गई, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक ठीक है ना। नेट प्रेशर कहां लगेगा, इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, नेट प्रेशर ऊपर की तरफ है। अब ये जो नेट प्रेशर है उसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चेक करना 25 जो एरिया है वो एक विंग का है दो विंग्स का है ईच, ओके तो कितने विंग्स है प्लेन के, दो। जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल किया था ना उसमें भी 25 एरिया था, लेकिन वो बोथ विंग्स का एरिया था 25। अगर बोथ विंग्स का एरिया 25 है तो टोटल एरिया 25 है, लेकिन अगर एक विंग का एरिया 25 है तो दो विंग्स का कितना होगा, 25 × 2 = 50, तो 50 आपको एरिया लेने। तो ये समझ आया ना स्टेप क्यों, क्योंकि 25 एरिया ईच है, ईच मीन्स फॉर वन विंग एरिया इज 25, फॉर टू विंग्स एरिया इज 50। इसको नेट फोर्स आ गई, ऑब्वियसली ये फोर्स किसको उठा रहा है, प्लेन के वेट को, प्लेन के वेट को, तो वेट का मतलब है एम इंटू जी, तो प्लेन का वेट जो भी है एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, एफ की वैल्यू जी की वैल्यू पुट करके आपके पास के जी में आंसर आ गया, मास प्लेन का कितना आ गया 4400.5 kg। पॉइंट इज क्लियर, कुछ भी नहीं करना, नेट फोर्स आप निकालना जानते ही हो, और इस नेट फोर्स से क्या उठेगा, प्लेन का वेट हैंडल होगा, तो मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू जी। समझ आ रहा है मन, कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक ठीक। नेक्स्ट है, ये हो गया था, नो। व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी ऑफ रेडियस गिवन इफ द फ्लो मस्ट रिमेन्स लैमिनर, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो रेट। तो आपको लार्जेस्ट वेलोसिटी बतानी है जो एक आर्टरी में मूव करेगी, रेडियस आर्टरी का गिवन है, और अगर एक आर्टरी का रेडियस गिवन है तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर से आर्टरी का क्या आ सकता है, एरिया, और आपको वेलोसिटी निकालनी है कितनी, और साथ में ये भी निकालना है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी क्लियर है, और साथ में गिवन क्या है, गिवन रेनॉल्ड्स नंबर गिवन कर लो, इसमें शायद गिवन नहीं होगा, रेनॉल्ड्स नंबर एन गिवन कर लो, डेंसिटी ऑफ ब्लड गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी गिवन है, यानी कि इसमें बर्नौली थ्योरम नहीं लगने वाली, क्यों, बर्नौली थ्योरम में ईटा का काम क्या है, बर्नौली थ्योरम में तो ईटा लेते ही नहीं, बिकॉज हम वाटर के लिए बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब हम फ्लो जो लेते हैं वो नॉन विस्कस लिक्विड के लिए लेते हैं, लेकिन ये लिक्विड एक विस्कस लिक्विड है क्योंकि इसमें ईटा गिवन है, जिन वैल्यूज के लिए ईटा होता है वो विस्कस लिक्विड होते हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें, तो इसमें क्या है कि रेडियस गिवन है तो डायमीटर आ गया, ईटा आ गया, रो आ गया, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला करवाया है जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर आता है और वो है क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो क्वेश्चन क्या है, आपको वो वेलोसिटी बतानी है एक आर्टरी में कि आपका फ्लो लैमिनर रहे, लैमिनर या स्ट्रीमलाइंड फ्लो के लिए आपकी जो लास्ट वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि उसके बाद आपका फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट स्टेट में आ जाएगा, तो यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी। यहां से ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर लो, आर्यन भूमिका मनु मनु आए आए रोनित नहीं आए विपुल नहीं आए, तो रेनॉल्ड्स नंबर याद है कि आपको लार्जेस्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो क्रिटिक तो रेनॉल्ड्स नंबर भी आपको लार्जेस्ट लेना है। पॉइंट सबको समझ आ रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर आपको देखो, रेनॉल्ड्स नंबर 1500, रेनॉल्ड्स नंबर 1000, रेनॉल्ड्स नंबर 500, इन सारी वैल्यूज पर आपका फ्लो लैमिनर रहता है या फिर स्ट्रीमलाइन रहता है, लेकिन 2000 के बाद कोई गारंटी नहीं है, पर 2000 तक तो गारंटी है, तो हम हाईएस्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमें लार्जेस्ट रेनॉल्ड नंबर पुट करना है, और लार्जेस्ट रेनॉल्ड नंबर इज 2000, आपको खुद पुट करना है,
नहीं तो आपको गिवन ही है एन की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2000। आपको ईटा गिवन है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डायमीटर गिवन है, ये वेलोसिटी आ गई। और बस एक बार वेलोसिटी आ गई, एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड आंसर आ गया। मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक कि हमें ये क्रिटिकल वेलोसिटी, वैसे भी बताने की जरूरत ही नहीं, कह तो रहा हूँ कि इसमें रेनॉल्ड्स नंबर का एक ही फॉर्मूला में आता है और वो है क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो सीधा सीधा क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे। मेथड सबको समझ आ रहा है, ठीक है ना? कितने लोगों का एग्जाम हो गया आज? अभी एक कौन सा था, कौन सा है? फिजिक्स का हो गया आज, फिजिक्स का कौन सा 16 मॉडल और 16 और 16 और कोई और स्कूल वाला जिसका हो गया, बस 16 मॉडल का था आज, ठीक है। मुझे साथ साथ अपने पेपर दिखाते रहना, ताकि देखो पेपर दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बस मैं क्यों देखता हूँ पेपर, इसलिए नहीं कि आपके आने वाले जूनियर्स को फायदा हो जाए, एक ये रीजन तो रहता ही रहता है। दूसरा एक ये भी रीजन रहता है कि एटलीस्ट अगर मॉडल स्कूल या कोई भी स्कूल अपना टेस्ट का लेवल प्लस माइनस कर रहा है तो हम अपनी फाइनल के लिए प्रिपरेशन ऐसे रखेंगे हमें पता लग जाए कि किस पैटर्न के साथ चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी अभी हम रॉ स्टेट में है, अभी हम कच्चे हैं, अभी तो बस एक बार कोर्स हो रहा है, एक बार रिविजन भी होगी जब फेब के अंदर हम रिविजन करेंगे 30 डेज की, मीन्स जब स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जनवरी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें एक महीने में हम वही चीजें करते हैं जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट आए। तो वो कोर्स कैसे चलाना है, उसमें टेस्ट कैसे बनाने हैं, वो फिर आपके स्कूल के पेपर स्टडी करके बनाए जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से वेरिएशन रहती है। चलो नेक्स्ट है एयर, ये हो गया था हॉट हो गया था, नेक्स्ट हो गया था वाटर इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल थ्रू दी पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन इफ प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब तो नहीं घबराहट होती इसको देखे 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसका मतलब क्या है बोलो? ये सुनते ही आपके माइंड में क्या आया? पी क्या लगाऊं? पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, देखते प्रेशर प्रेशर निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस फॉर्मूले से? एच रो जी याद है? मैंने एक बार पहले भी ये लिखा था, ऐसे ही लिखा था, अगर आपको प्रेशर सेंटीमीटर्स में गिवन हो तो हमने हाइट की वजह से प्रेशर निकालना सीख लिया। हाइट की वजह से जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला एच रो जी होता है। हाइट किसकी? जो गिवन है 2 सेंटीमीटर। डेंसिटी किसकी? जो लिक्विड के बारे में गिवन है, और लिक्विड क्या है? इनटू जी। बात समझ में आई? और अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन होता कि प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर कॉलम, तो आप क्या करोगे इसमें? प्रेशर इज इक्वल टू फिर फॉर्मूला एच रो जी, लेकिन एच किसका? वॉटर का। बात समझ में आई कि प्रेशर कैसे निकलेगा? तो वापस आ जाते हैं। तो इफ द प्रेशर, अगर प्रेशर ऑफ वॉटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, मीन्स ये सुनते ही मेरे माइंड में आ रहा है 2 into डेंसिटी ऑफ मरकरी into जी, और डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन है कितनी होती है? 13.6 कितनी होती है? 13.6 होती है ना? कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से 13.6 इज वो यही आंसर आएगा, सीधा 13.6 आंसर यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं, वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज गिवन, तो आपको यहाँ पर प्रेशर गिवन है जब वेलोसिटी की वैल्यू 32 है। अब व्हाट इज द प्रेशर एट अनदर पॉइंट P2 निकालना है जहां वेलोसिटी आपको गिवन है। पी वी लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्या लगेगी? बर्नौलीज थ्योरम। तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी 2 into rho into g रहा था ना भाई, एच रो जी। तो P1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और जो भी आंसर आएगा मीन्स डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सब कुछ किसमें चल रहा है? CGS में। वेलोसिटी V1 पता है, V2 पता है, बर्नौलीज थ्योरम में हाइट सेम रखनी है, वाटर मरकरी हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से P1 गिवन है, P1 की वैल्यू मुझे पता है, डेंसिटी मुझे मैंने पुट कर ली 13.6, V1 V2 पता है, यहां से P2 आ गया। सिंपल है, वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। बट पॉइंट समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? V1 है, V2 गिवन है, P1 गिवन है और P2 गिवन है।
यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, ये हो गया था? नो। अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज रनिंग फुल ऑफ वाटर, एक पाइप है उसमें वाटर मूव कर रहा है। एट अ सर्टन पॉइंट ए इट टेपर्स फ्रॉम 60 सेंटीमीटर डायमीटर टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर एट बी। तो क्वेश्चन में क्या आगे बने कि टेपर्स, बड़े से छोटी हो रही है पाइप, तो पहले रेडियस कुछ और है फिर रेडियस कुछ और है। अगर रेडियस कुछ और है तो समझो पहले एरिया ज्यादा है और फिर एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया हम निकाल लेंगे। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, अब समझ आ गया, 100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, तो ये क्या आ गया, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर डिफरेंस है क्योंकि इसने बिटवीन यूज किया है, बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो प्रेशर डिफरेंस भी आ गया। फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का मतलब, इसमें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगा सकते हैं ना, क्योंकि पाइप है और जो आपकी एक पाइप है वो बड़े रेडियस से होती हुई छोटी रेडियस में आ रही है, पहले रेडियस की वैल्यू 60 है और फिर रेडियस की वैल्यू 20 है। अच्छा ठीक है, डायमीटर की बने तो रेडियस बाई 2 कर लें, अब ठीक है, तो यहां से पाई इंटू आर 1 स्क्वायर, यहां से पाई इंटू आर 2 स्क्वायर, तो मुझे मालूम है कि A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, दोनों का मतलब क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर। अब प्रॉब्लम यह है कि एरिया तो दोनों में गिवन ही है, मुझे क्या नहीं गिवन, वेलोसिटी। अगर कोई मुझे वेलोसिटी निकाल के दिखा दे, किसी कोई भी, चाहे V1 निकाल दे चाहे V2 निकाल दे, मैं A1 V1 को मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, या मैं A2 V2 से निकाल सकता हूँ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, कम से कम एक वेलोसिटी तो चाहिए और उस वेलोसिटी को लाने के लिए प्रेशर डिफरेंस गिवन है, तो क्या लगेगी, बर्नौलीज लगा दो, P1 - P2 निकाल लो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज, ये इक्वेशन सबको क्लियर है, ये जो यहां लिखी हुई है चेक करो, रेडियस तो इट्स ओके आ जाएगा, एरिया आ गया A1, एरिया आ गया A2, लेट्स से ये A1 है ये A2 है, और मैंने क्या इक्वेशन लगा दी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 पुट कर दिया, A2 पुट कर दिया, और V2 और V1 में क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन एंड V1। यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना, यहां तक कुछ कुछ वेंचरीमीटर जैसे है ना, मतलब कुछ सुनने में मशीन नहीं दिखाई जा रही, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट उसमें भी यही करते हैं, उसमें V1 V2 दोनों ही नहीं गिवन होता, तो वेंचरीमीटर के हेल्प से हम निकालते हैं। तो ऐसी P1 -P2 गिवन है 100 सेंटीमीटर वाटर कॉलम का मतलब H रो जी, P1 -P2, बर्नौलीज थ्योरम, हाइट कैंसिल, वेरिएशन आ गया, V2 V1 की इक्वेशन आ गई, V2 की जगह पिछली इक्वेशन से 9 टाइम V1 V1 आ गया, V1 आ गया, तो A1 V1 से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, आप V1 चाहिए था ना, और एक आ गई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरी आ गई बर्नौलीज। पॉइंट क्लियर है सामने जो लिखा हुआ है, समझ आ गया ये कैसे क्वेश्चन किया हृदय, ठीक है ना?
any doubt? ठीक, ये हो गया था, सारे हो गए, ठीक है, ओके। अब हमारे चार चैप्टर हो गए, बहुत चैप्टर तो कहने की बात है, दो डेफिनेशन के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो फिर भी नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैंने कहा था कि फिर से इस हफ्ते रिवीजन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स मैं करवाऊंगा सारे इलास्टिसिटी से लेके एंड तक एक एक करके, ठीक है। अभी सरफेस टेंशन के ऊपर आओ, उन लोगों को शायद फायदा होगा जिनका एग्जाम होगा। सरफेस टेंशन का चैप्टर अगर सच पूछो तो इस पूरे यूनिट में से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी नहीं आएगा, ठीक। कई लोग गलत समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट मतलब यही करने हैं बाकी छोड़ देने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैट्स देखो कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस यूनिट में से, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, बहुत बड़ा यूनिट है, एक तो बनता है, और 99% चांस है कि वो सरफेस टेंशन का ही बनेगा, ठीक। और नेक्स्ट जो चांस है, चांस बनता है, वो है इलास्टिसिटी का, क्योंकि इलास्टिसिटी का इसलिए क्योंकि इलास्टिसिटी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होता है, जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसमें न्यूमेरिकल ऐसा आता है, हम करेंगे उसमें, एक वायर को मैंने खींच दिया, वर्क डन कर दिया, वायर खींचते खींचते गर्म हो गई, अब खींचने में वर्क डन किया, इलास्टिक वो वाली एनर्जी हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, वो एनर्जी वायर को मिली, वायर गर्म हो गई, वो एक ना फॉर्मूला होता है MC इंटू डेल्टा टी, शायद आपने सुना होगा, स्पेसिफिक हीट वाला। नेक्स्ट चैप्टर में इलास्टिसिटी आएगी, उसमें करके दिखाऊंगा आपको, बट पॉइंट क्लियर है, मतलब दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि उसमें थर्मो कॉन्सेप्ट भी चेक हो रहा है, उसमें इलास्टिसिटी भी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सर्फेस टेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्फेस टेंशन का क्वेश्चन सिर्फ सर्फेस टेंशन का ही क्वेश्चन है, मतलब सर्फेस टेंशन के अंदर कॉम्बिनेशन ए का बनता जरूर है बट बहुत ज्यादा नहीं बनता, तो इसलिए अगर स्पेशली किसी को ये चैप्टर बहुत पसंद है कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर डालने वाले को, तो वो सरफेस टेंशन ही छोड़ेगा, वो पक्का डालेगा। तो स्टार्ट करें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, किसकी? कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, किसकी? लिक्विड की। क्या प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की? ये प्रॉपर्टी है कि वो लिक्विड की जो टॉप मोस्ट सरफेस है, सबसे ऊपर सरफेस है, वो खिंचनी शुरू हो जाती है, अपने आप स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती है, और स्ट्रेच होने का मतलब कि एरिया, टॉप मोस्ट सरफेस का एरिया कम होना शुरू हो जाता है अपने आप, हम नहीं करते। आप कोई भी लिक्विड रख लो, सबकी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन याद रहे लिक्विड को पंखे में नहीं या ऐसे नहीं रखना, इक्विलिब्रियम में रखना है, छेड़ना नहीं, तो उसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, एंड टॉप मोस्ट सरफेस जब खिंचेगी, इट एक्ट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जैसे स्किन सरफेस, एक स्किन की तरह खिंच खिंच जाना ऐसा लगता है, तो इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड में तो बहुत ज्यादा होती है, किसी लिक्विड में तो बहुत ज्यादा खिंच जाती है, किसी में नहीं खिंचती, कम खिंचती है, किसी में खिंचती नहीं, डिपेंड करता है लिक्विड टू लिक्विड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप ही टॉप मोस्ट सर्फेस खिंच रही है, बाकी नहीं खिंच रहे, ऐसा क्यों? तो इसके लिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट को, कि सरफेस टेंशन होने का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या क्यों एग्जिस्ट करती है सरफेस टेंशन, उसको देखो। सबसे पहले सपोज ये लिक्विड है, मान लो इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक काम करो, कोई एक पानी का, ये मान लो वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लो, ले लिया, इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स निकालो, इस मॉलिक्यूल को खींच कौन रहा है, आसपास के पानी के पार्टिकल्स, नीचे वाले पार्टिकल ने इसको अपनी तरफ खींचा, ऊपर वाले ने अपनी तरफ खींचा, इधर ने अपनी तरफ खींच लिया और इधर वाले ने अपनी तरफ खींच लिया, इसने अपनी तरफ खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा, एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर अल्टीमेटली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। आधा तो क्लियर है, तो नेट फोर्स जीरो हो गई, तो ये पार्टिकल ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं जाएगा, जहां है वहीं का वहीं रहेगा, हर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो ही होगी, कोई डाउट इसमें?
यहां तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अब हम टॉप मोस्ट सरफेस की बात करते हैं, इन पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये पानी के ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन कहां पर है? टॉप मोस्ट सरफेस पे। तो अगर ये टॉप मोस्ट सरफेस पे है, इसको साइड पे पानी का पार्टिकल खींचेगा, वाटर का पार्टिकल खींचेगा, साइड में वाटर का पार्टिकल खींचेगा, नेट फोर्स जीरो। नीचे इसको कौन खींचेगा? पानी का पार्टिकल खींचेगा, लेकिन ऊपर क्या है? एयर। तो ऊपर किसका पार्टिकल है? एयर का। एयर का पार्टिकल भी इसको खींचेगा, लेकिन एयर के पार्टिकल की फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होती। एयर के पार्टिकल में इतना दम नहीं कि वो पानी को कंटेनर से उड़ा के हवा में ले जाए, पानी कंटेनर में ही रहेगा। यानी कि एयर के पार्टिकल की फोर्स कम है और पानी के पार्टिकल की फोर्स ज्यादा है। तो ये बेचारा पार्टिकल क्या करेगा? कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये पार्टिकल भी नीचे, सारे पानी के पार्टिकल कहां हो जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। पर नीचे तो ऑलरेडी पानी के पार्टिकल्स हैं जो इक्विलिब्रियम में है, तो थोड़े क्लोज हो जाएंगे, थोड़े पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब कुछ कुछ सॉलिड की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली कोर सॉलिड नहीं, बट एक मेम्ब्रेन की तरह खिंच जाएगी सरफेस, कुछ कुछ मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर के सारे पार्टिकल्स को किसने खींच लेने? पानी ने। तो वो डाउन हो जाएंगे, तो इसलिए सरफेस जो है जो स्ट्रेच हो जाती है, अपना एरिया मिनिमाइज कर लेती है। इसको बोलते हैं एरिया को क्या करना? मिनिमाइज, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। समझ आया रीजन फॉर सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन पानी के अंदर कभी नहीं होती, किसी लिक्विड के अंदर कभी नहीं होती। सरफेस टेंशन क्या होती है? जहां पर इंटरफेस है किसका? वाटर का और एयर का। इंटरफेस सरफेस के ऊपर होती है हमेशा। रीजन समझ आ गया यहां तक? रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, किसी को कोई डाउट इसमें? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अब इसको सीखने के लिए, तभी तो जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो ना कुछ फोर्सेस से स्टार्ट हो रहे हैं। दो तरह की फोर्सेस हैं, एक होती है इंटरमोलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर। केमिस्ट्री आ गई। इंटरमोलिक्यूलर, ए और बी मटेरियल के बीच में फोर्स, इंट्रा मींस ए और ए के मटेरियल के बीच में ही फोर्स ही इंट्रा है। ठीक हो गया। अब इसमें बस ये बताया गया है कि इसमें काम आएगा आगे जाके कि व्हेन अ रॉड इज डिप्ड इन मरकरी, एक्सपेरिमेंट है, मरकरी रॉड से चिपकती नहीं। पानी के अंदर रॉड को डुबो दोगे तो रॉड गीली हो जाएगी, ये क्या चक्कर है? क्योंकि मरकरी और मरकरी की फोर्स, एक मरकरी की रॉड है और एक कोई भी रॉड है, और ये कौन सा लिक्विड है? मरकरी। ठीक हो गया। तो मरकरी और मरकरी की फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, और ये रॉड जो है, रॉड का पार्टिकल, रॉड का मॉलिक्यूल इस मरकरी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यानी कि मरकरी की इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि वो रॉड और मरकरी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब कि मरकरी को रॉड खींच नहीं पाएगी, इसका मतलब रॉड गीली नहीं होगी। लेकिन जब रॉड को पानी में डुबोते हैं तो पानी पानी की फोर्स कम होती है, लेकिन रॉड और पानी की फोर्स ज्यादा हो जाती है। रॉड पानी को अट्रैक्ट कर लेता है तो रॉड गीला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीजें गीली हो जाती हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर, एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम है फोर्स ऑफ कोहेशन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम है एडहेशन। ठीक हो गया यहां तक? तो नाम है इंटर इंट्रा यूज करेंगे हम, एडहेशन कोहेशन नहीं करना तो कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय 2L। मैं रिकमेंड करता हूं प्लीज इसको याद मत करो, क्योंकि ये 2L हमेशा रहता नहीं है। आप एक ही फॉर्मूला याद करो, फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, बस फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल में। अब जरूरी थोड़ा है कि आपकी कोई रॉड ही हो 2L वाली, हो सकता है कोई सर्कुलर रॉड हो, सर्कल की लेंथ 2πr होती है, हो सकता है कोई रेक्टेंगल हो 2×L+b हो जाएगा, कोई स्क्वायर हो 4×L लेंथ हो जाएगी। मतलब हर फिगर में लेंथ वेरी करेगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इसका फॉर्मूला 2L मत याद करो, बस लेंथ याद करो। कैसे लेंथ निकालनी होती है अलग अलग केसेस में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। इसमें यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है?
तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अभी ये कुछ नहीं करना, ये डायग्राम किसी काम का नहीं। अभी अभी सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर, सीजीएच यूनिट लाइंस पर सेंटीमीटर। एक टर्म यूज होगी जिसको रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। रेंज का मतलब होता है कि सपोज करो एक पानी का पार्टिकल है, एक पानी का पार्टिकल है, ये अपने साथ वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है, इसको इसको इसको, मतलब इसकी रेंज में। इसकी रेंज क्या हुई, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। समझ में आ गया रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब कि अगर मैं अपनी रेंज कैलकुलेट करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर सकता हूं, उसको नहीं कर सकता, उसको नहीं कर सकता। तो हम दोनों के बीच में लेट से 1.5 मीटर डिस्टेंस है, तो मेरी रेंज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के दायरे में कोई भी पार्टिकल आएगा मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक हो गया यहां तक, इसको रेंज बोलते हैं, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट टर्म जो यूज होती है वो होती है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होती है, सरफेस फिल्म है कि अगर ये आपके पास कंटेनर ऑफ वाटर है या कोई भी लिक्विड है, अगर ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर का ये टॉप मोस्ट सरफेस है लिक्विड का, इस लिक्विड, आप एक काम करो, इसमें मान लो वाटर है, वाटर की रेंज मान लो 1 सेंटीमीटर है, मान लो वैसे एमएम में होती है 1 सेंटीमीटर, मान लो वाटर की रेंज 1 सेंटीमीटर है, तो पानी का पार्टिकल 1 सेंटीमीटर के दायरे में दूसरे पानी के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, तो आप एक काम करो, आप यहां पर 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, और 1 सेंटीमीटर लेंथ मैंने स्पेशली क्या ली, पानी के पार्टिकल की रेंज। इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में, इस 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जितने भी पानी के पार्टिकल्स आएंगे, आने दो कोई बात नहीं, कितने भी हो सकते हैं, इस टॉप मोस्ट सरफेस को बोलते हैं सरफेस की फिल्म। तो सरफेस फिल्म कुछ नहीं है, सरफेस फिल्म वाटर की या किसी भी लिक्विड की वो टॉप मोस्ट सरफेस है जिसकी विड्थ क्या होती है, इक्वल टू रेंज, सिंपल। उसमें कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, आने दो। यहां तक क्लियर है, सचिता समझ में आ रही है बात? तो डायग्राम क्लियर है, ये रेंज है, और सरफेस फिल्म का मतलब बता दिया कि हैविंग थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ये पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ये मैं सारा एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं कि कैसे नीचे पानी के पार्टिकल्स नीचे खींचते हैं पानी को, एयर के पार्टिकल खींच नहीं पाते, इसीलिए देयर एग्जिस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, यहां तक एनी डाउट, समझ आ रहा है विकास? ठीक है, ठीक है, आप चलें, बाद में कर लोगे 7 बजे? ठीक है, चलो, और देख लो किसी और करनी है तो कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, मन में बात रह जाएगी कि यार कर लेता हूँ मैं, आराम से तसल्ली से कर लो, पहले का जो पढ़ना है तो फिर पढ़ना है यार, फिर इधर ही ध्यान दो ना, फिर सारा मजा खराब होता है। चलो कर लें स्टार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, रोज देखते हो सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस। एक हेयर ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर स्प्रेड आउट, बट एज सून एज इट इज टेकन आउट इट्स हेयर क्लिंग टूगेदर। पेंटिंग ब्रश है, शेविंग ब्रश है, पानी में डुबोते हो जो हेयर है वो फैल जाएंगे, बाहर निकालते हो वो एकदम चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। कैसे आई सरफेस टेंशन? देखो, सबसे पहले अगर ये एक सपोज पानी का ये जो एक ब्रश है, जो भी एक ब्रश है, ये पानी के बाहर है तो एकदम चिपक जाएगा, मैंने बताया, और वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक हो गया यहां तक? ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब वाटर के अंदर ये ब्रश है तो यहां पर भी पानी का पार्ट मींस ब्रश के ऊपर वाटर ही, ब्रश के जो हेयर है वो उसके आसपास वाटर ही वाटर है, यहां पर पानी का पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल यहां भी, पानी का पार्टिकल हर तरफ, पानी का पार्टिकल नेट फोर्स जीरो, हर तरफ पानी का पार्टिकल मींस ब्रश के अंदर भी पानी, ब्रश के बाहर भी पानी,
यश के हेयर के अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है तो सरफेस टेंशन कहां से आएगी, आ ही नहीं सकती। तो यानी कि जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं, जितने भी हेयर के पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। अब एक काम करते हैं, हम ब्रश को बाहर निकाल लेते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या है, हेयर, लेकिन इसके अंदर क्या है, वाटर। इसके अंदर अभी भी पानी है, ठीक है ना। यहां तक होगा क्या, अगर कोई पानी का पार्टिकल यहां लेते हैं, इसको इसके अंदर ही पानी का पार्टिकल की फोर्स क्या हो जाएगी, कैंसल। लेकिन अगर कोई पानी का पार्टिकल सरफेस पे लेते हैं तो सरफेस के पार्टिकल जितने भी हैं उनको अंदर के पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि एयर तो खींच नहीं पाएगी, मैंने बताया था। अब अंदर पानी है बाहर एयर है, तो एयर तो पानी के पार्टिकल को खींच नहीं पाएगी, लेकिन पानी के पार्टिकल्स अंदर ही अंदर पानी को खींच लेंगे, बाहर के वाटर के जो सरफेस पे पानी के पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ब्रश छोटा हो जाएगा, मींस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एकदम। बात समझ में आ रही है? मींस इस केस में, इस केस में इसके अंदर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। लेकिन जो बाहर सरफेस के ऊपर पानी के पार्टिकल्स हैं उनको एयर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, करती है पर ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन पानी के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से एरिया मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां पर भी पानी, अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, तो ठीक है, बाहर का तो नेट फोर्स हर पार्टिकल के ऊपर, तो ब्रश अंदर जाके फैल जाएगा। समझ आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी आर फाउंड टू बी स्फेरिकल इन शेप। जितना छोट बारिश पड़ रही है और जितना छोटा पानी का ड्रॉप होगा उतना ही गोल होगा, जितना भारी ड्रॉप होगा वो गोल नहीं होगा, वो थोड़ा कुछ ऐसा लंबा हो जाएगा। ऐसे ही है, जितना छोटा होगा उतना ही स्फेरिकल होगा, वो क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। एंड ये लिखा हुआ है अफेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। ग्रेविटी को छोड़ो, ग्रेविटी छोटे पार्टिकल्स में ग्रेविटी का अफेक्ट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वेटलेसनेस की कंडीशन में होते हैं, उनका मास निग्लिजिबल होता है, ठीक है यहां तक। तो सरफेस टेंशन की वजह से द लिक्विड ट्राइज टू अक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। अब आप सोचो एक मिनट के लिए, पानी के ड्रॉप्स हैं, इसके अंदर भी पानी पानी, वाटर 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 है, तो बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, बाहर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनको कौन खींचेगा, अंदर के पानी के पार्टिकल्स, हर तरफ से बराबर, और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, एयर उतनी जोर की खींच नहीं पाएगी, तो सारे पार्टिकल अंदर की तरफ आ जाएंगे यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब दे विल अक्वायर अ स्फेरिकल शेप। तो वैसे तो स्फेरिकल शेप होता है, किसी भी पानी के ड्रॉप का स्फेरिकल शेप होता है, वो लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कुछ ज्यादा ही भारी ड्रॉप है तो ग्रेविटी अपना अफेक्ट शो करेगी, उनको लंबा कर देगी। पर अगर ग्रेविटी ना हो तो पानी के पार्टिकल्स कैसे दिखे आपको, फेयर ही दिखे, चाहे बड़ा चाहे छोटा, ठीक है यहां तक। पर अगर एयर है तो ग्रेविटी भी है, अर्थ के ऊपर ही एयर है ना। अगर मैं कहीं स्पेस में जाके पानी का ड्रॉप बना भी लूंगा तो स्पेस में फिर ग्रेविटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो इन एनी केस बने, अगर हम बिल्कुल स्पेस में काम करें और इसमें कोई अर्थ ग्रेविटी ग्रेविटी को बीच में ना लेके आए तो पानी का ड्रॉपलेट क्या बनेगा, स्फेरिकल। रीजन समझ आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ग्रीस नीडल ऑन पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर इज प्लेस्ड ऑन वाटर। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सपोज करो लिक्विड पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ था, आर्किमिडीज ने कहा था अगर आप पानी के ऊपर एक नीडल को रख दोगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि वो अपने जितना पानी डिस्प्लेस कर नहीं पाती, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और नीडल की डेंसिटी ज्यादा, तो वो डूब जाएगी, ठीक। अब यहां पर प्लीज आर्किमिडीज को बीच में मत लेके आना, आर्किमिडीज फ्लोटिंग प्रिंसिपल, तैरना तैरने वाला प्रिंसिपल है, पानी का डिस्प्लेस होगा। यहां डिस्प्लेस तो तब होगा ना पानी जब पानी के अंदर जाएंगे, हम तो पानी के एकदम ऊपर हैं, और ऊपर का पानी एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो डिस्प्लेस किसे करूं, वो तो पहली नीडल तो इतनी छोटी है उसके लिए तो वो सॉलिड इतना काम कर रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, कहते हैं एक ब्लॉटिंग पेपर ले लो एक्सपेरिमेंट के लिए, बिल्कुल इक्विलिब्रियम, पानी हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो वो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, मॉलिक्यूल हिल जाएंगे, नीडल पक्का डूब जाएगी, बिल्कुल आराम से करना है।
एक ब्लॉटिंग पेपर जो पानी सोखेगा उसके ऊपर नीडल को रख दो और उसको यहाँ रख दो। अब होगा क्या, वो धीरे धीरे जो है पानी को सोखेगा और वो डूब जाएगा बिना पानी को डिस्टर्ब किए। जो आपकी नीडल है, जो आपकी नीडल है उसका वेट कैसे एड करेगा नीचे की तरफ, और ये आपकी एक नीडल है, ये आपकी एक नीडल है पीछे की तरफ पड़ी हुई है कुछ ऐसे। इमेजिन करो पानी की सरफेस के ऊपर नीडल एकदम पीछे की तरफ रखी हुई है मैंने, ठीक है ना यहां तक। तो क्योंकि एक टॉप मोस्ट सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन टूटेगी नहीं, टूटी गई फिर तो यह चैप्टर खत्म करो, फिर नहीं पढ़ेंगे चैप्टर, तोड़ना नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि अगर मैंने तोड़ दिया मैं फिर कह रहा हूं यानी कि सरफेस टेंशन को मैंने क्या कर दिया, चैप्टर क्लोज, कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। फिर जितने फिनोमेना स्टडी करेंगे उसमें हर बे टी आएगा सरफेस टेंशन, अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम हिला दिया तो सब खत्म हो गया। तो इसमें नीडल उसको मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं रही, सरफेस टेंशन अभी भी है, लेकिन आपकी जो सरफेस है अब आपको फ्लैट नजर नहीं आएगी, थोड़ी सी नीचे नजर आएगी नीडल के भार की वजह से, नीडल का वेट उसको क्या कर रहा है थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। सरफेस टेंशन ये खास प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से सुन लेना। अगर आपको जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस टेंशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में सरफेस टेंशन भी होगी, ये पॉइंट क्लियर है। तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अगर सपोज आपकी ये कोई सरफेस है, ये पॉइंट है, पॉइंट है, अगर मैं ये पूछूं कि क्या इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वेट को छोड़ के, आप कहोगे लग रही है, क्यों, जहां जहां सरफेस टेंशन है वहां वहां फोर्स है। देखो ना, जहां जहां टी है वहां वहां सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स बाय लेंथ, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, या उल्टा बोले फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन है, सही बोल रहा हूं ना यहां तक। तो इसका मतलब जिन क्वेश्चन में टी आएगा उन क्वेश्चन में फोर्स भी आएगा, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने ये स्टडी किया हुआ है कि कोई भी कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर वेक्टर ड्रॉ करना पड़े, ऑलवेज ड्रॉ अ टेंजेंट। कभी भी हमने ऐसे किया, कोई भी स्ट्रीम लाइन लिया, कुछ भी लिया, हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल ली, हमने इसमें क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट, ठीक है ना। मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सपोज करो मैं यहां पर आपसे इस पॉइंट पर सरफेस टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, तो ऑलवेज ड्रॉ अ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट इस सरफेस के यहां रहेगा, एक टेंशन इस सरफेस के यहां पे होगा। तो याद रखना कर्व्ड सरफेसेस में सरफेस टेंशन की फोर्स भी कर्व्ड होती है, मींस वेक्टर्स इधर उधर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी सरफेस एकदम फ्लैट है और ये पॉइंट है, सरफेस टेंशन एग्जैक्टली इसके ऊपर टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर कोई कहे ना कि अगर सर पानी की सरफेस टेढ़ी नहीं है, मान लो पानी की सरफेस एकदम स्ट्रेट है, अब कोई पॉइंट लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिखाओ, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक स्ट्रेट टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। यहां तक मतलब अगर आपकी सरफेस जो है फ्लैट है, जैसे कि ये वाटर की सरफेस है, कोई भी पार्टिकल यहां पर है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, और ये फोर्स आपस में क्या कर जाती है, कैंसिल। अभी डिस्कस तो किया था कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचता है, तो अगर ये मॉलिक्यूल यहां खींचेगा, ये मॉलिक्यूल यहां खींचेगा, तो ऑब्वियसली टेंजेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। लेकिन सोचो अगर पानी की सरफेस कैसी है, पानी की सरफेस ऐसी हो गई, तो अब इस पार्टिकल का एक टेंजेंट इधर जाएगा, एक टेंजेंट इधर जाएगा, और आपस में कैंसिल नहीं करेगा, समझ में आ रही है बात। क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्टिकल है इसको ऊपर वाला पार्टिकल खींचेगा अपनी तरफ, और ये वाला पार्टिकल को ये पार्टिकल खींचेगा अपने की तरफ, ठीक। रूल समझ आ गया, सरफेस टेंशन टी ड्रॉ करने का या फोर्स ड्रॉ करने का। तो वापस आ जाएं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है ये रहा। तो मुझे एक चीज मालूम है, ये टेंजेंट किसने ड्रॉ करवाया, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस ने, और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स की वजह से क्या एग्जिस्ट करती है, सरफेस टेंशन।
तो ये एक फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिख देता हूं, ये भी एक फोर्स है अगेन ड्यू टू, ये तो बराबर होगी, ठीक है। और बॉडी का वेट कहां ऐड कर रहा है, वर्टिकली नीचे। अब फाइनली एक चीज सुनो, ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स इन दोनों की वजह से कहां है, ऊपर है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जितनी भी है, जितनी भी है। अगर ये फोर्स mg के इक्वल हो जाए तो नीडल स्टेशनरी रहेगी। अगर ऊपर वाली फोर्स मान लो नेट फोर्स 20 आती है और बॉडी का वेट भी कितना है 20, तो अगर 20-20 कैंसिल हो जाए तो नीडल सिंक नहीं करेगी, क्लियर। तो ये एग्जांपल यही है, ब्लॉटिंग पेपर तो डूब गया लेकिन नीडल थोड़ी सी बेंड कर गई सरफेस को, और बेंड तभी हो पाएगी जब सरफेस टेंशन होगी। तो सरफेस टेंशन थी तो सरफेस टेंशन की फोर्सेस टेंजेंट हो गई, नेट फोर्स ऊपर हो गई सरफेस टेंशन की, जो किसको बैलेंस कर गई, बॉडी के वेट को, तो नेट फोर्स जीरो, नीडल नहीं डूबेगी। पर इसमें आर्किमिडीज का कोई हाथ नहीं है, आर्किमिडीज तो नीडल को डुबोएगा पक्का, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को जीरो, नेग्लिजिबल मान के काम करता है, ठीक है। यहां तक सोचो एक मिनट के लिए कि अगर सरफेस टेंशन ना होती तो ये फोर्स भी ना होती, नेट फोर्स भी ना होती, और ये वेट की वजह से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो ये नीडल पक्का डूब जाती। समझ में आई बात, एप्लीकेशन समझ आ रही है। हालांकि कॉन्सेप्चुअल बहुत कम आते हैं आपके स्पेशली स्कूल्स में, आपने देखा होगा एक एक दो दो नंबर, और वो भी पता नहीं कहां कहां से डाल देते हैं, कोई भरोसा नहीं उनका। कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ज्यादातर, तो इसलिए मैं जहां कॉन्सेप्चुअल की बात है मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, इसको रीड भी नहीं करता एग्जैक्टली क्या है, सिर्फ इसलिए कि अगर इनमें से बेसिक बेसिक बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं तो कॉमन तो आनी चाहिए, सिर्फ इसलिए, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट है। सपोज आपके पास वाटर का कंटेनर है, ठीक, आप क्या करते हो, गरम गरम लोहा पिघला के लिक्विड फॉर्म में इसमें गिरो, और गिरना कैसे है, गिरना बिल्कुल छोटा छोटा है, बड़ा नहीं गिरना, बड़ा गिरोगे तो यार शेप फिर लंबी लंबी हो जाएगी लोहे की, हल्के हल्के छींटे गिरने हैं। जब गरम मोल्टन आयरन इसमें गिरेगा, ये मान लो आयरन है, ब्लू कलर का आयरन है, उसकी शेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्फेरिकल। वो क्यों, क्योंकि आयरन की जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है बड़ी स्ट्रांग होती हैं, और पानी में अगेन इतना फोर्स नहीं होता कि वो आयरन को खींच सके या बहुत ज्यादा खींच सके। तो आयरन, आयरन की फोर्स बहुत स्ट्रांग है, हर तरफ से आयरन एक दूसरे को मींस अंदर ही अंदर खींच रहे, और बाहर वाटर है, वाटर खींच नहीं पा रहा, तो शेप क्या बनेगी, स्फेरिकल। पॉइंट सबको समझ आ रहा है, ये तो वही एग्जांपल है, जैसे बारिश गिरती है तो वो स्फेयर की फॉर्म में क्यों होती है, बस फर्क ये है कि बारिश के केस में अंदर वाटर होता है और बाहर एयर है, मोल्टन के केस में ये आपका आयरन है और बाहर वाटर है, एयर में भी ऐसे ही है हिसाब तक, एयर में भी ऐसे, पानी में इसलिए कह रहा हूं जल्दी सूख जाएगा एयर में अगर वो गरम गरम है तो ये गर्म ही रहेगा ना, मोल्टन रहेगा, इफेक्ट कम नजर आएगा, इसमें गोलियां बन जाएंगी गोल गोल स्फीयर की, ठीक है ना। यहां तक आइडिया क्लियर है, ये मींस इसमें एयर वाटर क्यों ले लिया, ताकि वो ठंडा होकर आपको शेप देखे एग्जैक्टली उसकी स्फेरिकल शेप हो। समझ में आ रहा है, लो जी सरफेस एनर्जी, अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया ना कॉम्पिटिशन में, सरफेस एनर्जी पे आएगा पक्का, और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सरफेस एनर्जी पे आएंगे। अब देख लेना पुराने पेपर सॉल्व करके, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एनर्जी पे ही क्वेश्चन आएगा।
सरफेस एनर्जी की, दोनों डेफिनेशंस एकदम सही हैं। डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि सरफेस एनर्जी का मतलब ये है कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय, मैं किसी भी चीज का सरफेस एरिया इंक्रीज करना चाहता हूं, मैंने काम किया, वर्क डन किया, डिवाइडेड बाय मैंने कितना वर्क डन, मैंने कितना एरिया इंक्रीज किया, दोनों की रेशियो सरफेस एनर्जी। और उल्टा कर लो, अगर मैं एरिया को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करूं तो मैंने क्या किया, फिर से वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया इन डिक्रीजिंग डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इसकी रेशियो को भी क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, चाहे आप इंक्रीज कर लो चाहे आप डिक्रीज कर लो, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू दोनों केसेस में क्या रहती है। और 100% जिसने पहले किया नहीं हुआ उसको कुछ ही समझ आया होगा एग्जैक्टली ये हो क्या गया, कौन सा एरिया मैंने कौन सा वर्क डन किया या कौन वर्क डन कर रहा है। और ये सरफेस एनर्जी का एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मतलब समझाओ कि अगर मैं डेली रूटीन में पूछूं कि एनर्जी है कहां, कौन लगा रहा है, तब मजा आएगा कि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। ठीक, ये तो डेफिनेशन है, इसको डेफिनेशन रहने दो। इसको सीखने के लिए हम एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक एक ये जो इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट तो कुछ नहीं है, जैसे ये रेल्स हैं, फिक्स्ड आयरन की या किसी भी चीज की रेल्स हैं, ये नहीं मूव कर सकती, बस ये ऐसी रहेंगी। इसके अंदर मैंने क्या किया, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है जो मैंने इसके ऊपर रखी हुई है, सच दैट ये रॉड क्या कर सकती है, ये रॉड इन रेल्स के ऊपर इजीली मूव कर सकती है और कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, आपने हल्का सा टच किया नहीं और ये भागना शुरू कर देगी बिना फ्रिक्शन के। ठीक है, पर हम तो इक्विलिब्रियम में सब कुछ कर रहे हैं, हमको टच करेंगे, ना हवा चल रही है ना कुछ चल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, सरफेस टेंशन को लाने के लिए बीच में खाली है, खाली है, बीच में उंगली डालोगे तो आर पार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आर पार हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है ये हाथ डालोगे अंदर बार हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस इक्विपमेंट है, बस रेल्स हैं, कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, जैसे वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना सोप बबल्स, वो आप कहीं भी मार्केट में जाओगे वो गुब्बारे बबल्स फुलारे होते हैं सोप साबुन का, साबुन में डुबो के गोल रिंग होता है, गोल गोल बबल्स ही बबल्स, ये वही है, बस फर्क ये है, फर्क ये है कि जो आपके बबल जिससे बनते हैं वो रिंग होता है ऐसा, उसको डबोगे हवा एयर ब्लो करोगे बबल्स निकलेंगे, बस फर्क ये है कि ये रिंग नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, बस बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो शेप रिंग नहीं ली पर डुबोना इसको आपने किसमें, सोप बबल में, सोप बबल में डुबो दोगे तो इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां पे सोप ही सोप आ गया। हाँ, अगर आप इसको टच कर दोगे फूट जाएगा, नहीं उस वहां तक नहीं लेके आना, उसको लगे रहने देना। ठीक हो गया, तो यहां पर सोप एक सोप ही सोप है, आपने हवा भी ब्लो नहीं करनी, एयर ब्लो नहीं करना, ऐसी रहने दो। और क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है रॉड, तो ध्यान से देखना जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, आपकी रॉड पहले यहां पर थी, अपने आप यहां पर आ जाएगी, मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों, सरफेस टेंशन, क्योंकि सोप के बबल्स, सोप मींस लिक्विड, बाहर एयर है, सोप के बबल्स अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, वो तो नीचे नीचे अंदर आने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, तो जो रॉड है वो अपने आप इनसाइड आनी शुरू हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, इमेजिनेशन है ये पूरा, इसमें कोई डायग्राम नहीं, दिखा भी दूंगा तो कुछ का कुछ समझ आओगे, वो ऐसा लगता है जैसे एक गैस का भरा हुआ सिलेंडर है जो और वो पिस्टन है, अगर एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा तो ये सिर्फ इमेजिनेशन है। तो इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को कि ये केस कैसे चल रहा है, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। तो सपोज करो आपने एक सोप सॉल्यूशन ले लिया, रॉड इनसाइड आ गई, ठीक, रॉड अगर इनसाइड आई तो रॉड के ऊपर उस सोप सॉल्यूशन ने क्या किया, वर्क डन,
कैसे किया? बाय अप्लाइंग सम फोर्स. ठीक है यहां तक? तो अंदर की तरफ फोर्स लगाई. किसने लगाई? सॉल्यूशन ने लगाई. कैसे लगाई? सरफेस टेंशन जनरेट करके लगवाई. तो यानी कि दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. एनी डाउट? सरफेस टेंशन डेवलप हो गई, स्ट्रेच होना शुरू हो गया. सरफेस स्ट्रेच हुआ, फोर्स हुई. फोर्स हुई तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स. एनी डाउट? ठीक. तो जब मैं सरफेस एनर्जी की बात करता हूं तो न्यूमिनेटर में क्या आता है? वर्क डन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो हम किसका केस ले रहे हैं? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. तो कोई बात नहीं. यानी कि जब एरिया डिक्रीज होगा तो वो एरिया कौन डिक्रीज करेगा? सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी. सरफेस टेंशन की तो आदत है, उसकी तो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो एरिया को क्या करती है? मिनिमाइज, कम करती है. लेकिन मैं उसको कम नहीं होने दूंगा. मैंने अपने हाथ से पकड़ा रॉड को और यहां से उठा के यहां ले आया. तो अब वर्क डन किसने किया? मैंने. मैंने एक्सटर्नल वर्क डन किया. क्या करने में? इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, लेकिन सरफेस टेंशन ने सरफेस एरिया डिक्रीज किया था. तो अगर इस पूरे चैप्टर में सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो मैं नहीं करूंगा डिक्रीज. कौन करेगा? सरफेस टेंशन. हाँ, अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज के केस में मेरे को ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन तो एरिया हमेशा क्या करती है? मिनिमाइज. समझ आ रहा है? वो वर्क डन कौन करेगा? मैं भी कर सकता हूं, सरफेस टेंशन भी कर सकती है. सरफेस टेंशन करेगी तो डिक्रीज यूज करेंगे, अगर मैंने किया तो इंक्रीज. कोई डाउट इसमें? पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट इज कितना एरिया इंक्रीज हुआ, कितना एरिया डिक्रीज हुआ? वो डिनोमिनेटर था, अभी आया था ना कि डिवाइडेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस एरिया. तो डिवाइडेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज मींस अगर सरफेस टेंशन ने डिक्रीज किया तो डिक्रीज क्या होगा? फोर्स इंटू एक्स. और इंक्रीज किया तो भी एफ इंटू एक्स. डाउट इसमें? यहां तक समझ आ रहा है? तो कितना वर्क डन सरफेस टेंशन ने किया उसको डिक्रीज करने में एरिया, डिवाइडेड बाय कितना एरिया डिक्रीज हुआ, उसकी रेशियो को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी. ऐसा होता है यार, पता है क्या? अब ये बहुत बारीकी है, ध्यान से देख. सरफेस एरिया 100 है, 99.5 हो गया. अब दिखेगा नहीं, तेरे को तो पानी दिखेगा ना अंदर. उसके मॉलिक्यूल्स लेवल तक बात हो रही है. मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं? तो बस फिर नहीं दिखेगा. हाँ, वैसे ऊपर की सरफेस थोड़ी कम होती है, नीचे थोड़ा ज्यादा होता है. अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें, अगर मैं देख सकूं मॉलिक्यूल को, तो शायद मेरे को ऐसे दिखेंगे. यहां तक क्लियर है? और ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव कि सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है सरफेस टेंशन से. ठीक. और अभी 1/4 कॉन्सेप्ट समझ आया है? अभी पूरा नहीं समझ आया. आप घर जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे को सरफेस एनर्जी समझ आ गई और आपके पेरेंट्स कहेंगे तो समझा क्या होती है. आप प्रैक्टिकली समझा नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आप ये समझा पाओगे सरफेस टेंशन मिनिमाइज, मैं खींचूंगा तो वर्क डन होगा. तो फिर लेकिन आपके घर जाके लोग क्या पूछेंगे? फिर सरफेस एनर्जी क्या है ये तो बता. सरफेस टेंशन बता दी, वर्क डन बता दिया, पर सरफेस एनर्जी क्या? आपको क्या रेशियो? तो लोग क्या कहेंगे? रेशियो का मैं क्या करूंगा? तो बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट, इसकी एप्लीकेशन बतानी है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन. अभी बताता हूं, दो मिनट ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. और मैं बता रहा हूं कि जो मैं 10-15 मिनट बोल रहा हूं ना, अभी जो लेक्चर है, इसी में से सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपको ये बात एकदम स्ट्राइक कर गई, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना यहां तक? अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं. मैं सरफेस एनर्जी निकालना चाहता हूं. तो ठीक है, अब आपको आती है सरफेस एनर्जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सरफेस एनर्जी निकालनी है तो ये वही रॉड है जिसको मैं खींच रहा था. मैं खींचूंगा तो फोर्स राइट है, और अगर सरफेस टेंशन खींचेगी तो फोर्स लेफ्ट है. ठीक है ना यहां तक? ये डायग्राम क्लियर है कैसे बना? और दूसरा, इस डायग्राम में लेंथ ऑफ रॉड इज सपोज एल. सरफेस टेंशन की फोर्स तो यहां भी लग रही है, 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 हर जगह लग रही है, पर मैं ये नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है, उसकी फोर्स मिनिमाइज थोड़ा कर देगी, रॉड को थोड़ा हिला देगी. जो साइड पे जो रेल्स हैं उनको तो हिला नहीं सकती, तो उसकी फोर्स नहीं लेनी. कौन सी फोर्स लेनी है? जो एक्चुअल में रॉड हिल रही है, और जो रॉड हिल रही है उसकी लेंथ कितनी है? एल.
ठीक है यहां तक? तो मेरे को यह बताया गया कि सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितनी लेंगे? एल। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो लेंथ एल समझ आया ना, कि मैं कितनी लेंथ के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं? एल लेंथ के ऊपर। तो मैं कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? टी इंटू। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? और मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी कर दी रॉड की? या चलो ऐसा करते हैं, हम जो वर्क डन निकालते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालते हैं। सरफेस टेंशन ने रॉड को अंदर की तरफ ले गया, तो कितनी फोर्स लगाई? सेम फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, टी इंटू एल। चाहे मैं फोर्स लगाऊ चाहे सरफेस टेंशन फोर्स लगाए, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, डायरेक्शन ही चेंज होती है। फोर्स की वैल्यू क्लियर है कैसी आई? और वर्क डन अगर निकालना हो तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू एक्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ की जगह क्या पुट करना है? टी इंटू एल इंटू एक्स। यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना, इमेजिन करना एक चीज, ये आपकी इमेजिनेशन है, इसमें मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता, पूरा टॉपिक इमेजिनेशन पे है वैसे तो, मेरे बोलने पे है। अब देखो, इमेजिन करो कि मेरा हाथ सोप फिल्म है, ठीक? सोप फिल्म बहुत पतली होती है, बहुत ही पतली। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो वो उतनी पतली नहीं है, उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक? अब सपोज इमेजिन करो ये रूम, रूम नहीं है ये, रूम एक सोप फिल्म है। इमेजिन करने में क्या है? बहुत पतली, बहुत पतली, लेकिन इसको देखो मैंने कितना बड़ा दिखाया हुआ है, और आप सब स्टूडेंट्स नहीं हो, आप सब मॉलिक्यूल्स हो। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर के कांटेक्ट में है, यहां एयर ही एयर है। आखिरी लाइन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो उधर की एयर के कांटेक्ट में है, और आप सब मेरे हाथ के अंदर सोप फिल्म में हो। यहां पर वो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहां बैठे हैं, यहां वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एंड वाले बैठे हैं, बीच में दिखा नहीं सकता, बीच में आप सब बैठे हो। इमेजिन कर पा रहे हो इसे? ठीक है ना? सोप फिल्म लगती है पतली, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मैं आप सबको खींचूंगा एज अ एयर का मॉलिक्यूल, पर मैं आपको खींच नहीं पाऊंगा, वो लोग आपको ज्यादा खींचेंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट हुए उस चक्कर में, मान लो एक रॉड थी, आप सबने मिलकर रॉड को खींच दिया, आपने खींचा रॉड को, लेकिन वही फिनोमिना जो यहां लग रहा है वही फिनोमिना वहां भी तो लग रहे हैं। वहां की एयर उन आखिरी पार्टिकल को खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर के पार्टिकल्स उनको भी खींच रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ये दीवार नहीं है, दीवार एक रॉड है, मतलब ये फिगर इतनी बड़ी बना दी मैंने, इमेजिन करो ये पूरी दीवार नहीं है, दीवार की पूरी रॉड है, और आप सब मिलकर इस रॉड को खींच रहे हो। खींचने वाले सिर्फ दो ही हैं, या तो ये खींचते हैं या फिर आखिरी वाली, आप तो कुछ नहीं करते, आप तो इनको खींचते हो। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग बीच वाले तो कुछ नहीं कर रहे, बीच वाले नेट फोर्स सबके ऊपर जीरो, आप आराम से बैठो। असली गेम या तो ये प्ले कर रहे हैं या फिर जो एक्चुअल में इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं और एयर से बचा रहे हैं, ठीक बोल रहा हूं ना? बाकी तो नेट फोर्स जीरो कर ही बैठे हैं। तो आपने और आप जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रॉड को खींच लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी दो सर्फेसिस पे लग रही है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, तो इसका वर्क डन भी सरफेस पे हो रहा है, एक सरफेस पे नहीं हो रहा। इमेजिन कर रहे हो उस चीज को? तो यहां पर एक सरफेस नहीं है जहां वर्क डन हो रहा है, यहां पर दो सरफेस हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले इस वर्क डन को डबल करो, डबल। समझ में आई बात? तो वर्क डन डबल समझ आ गया कब करना है? जब दो दो फ्री सर्फेसेज हैं, इसको बोलते हैं फ्री सर्फेस होना। हम ऐसा बोलते हैं जो सोप फिल्म है उसमें कितनी फ्री सर्फेसेज हैं? दो। फ्री सर्फेस वो सर्फेस है, फ्री सर्फेस वो वाटर की सर्फेस है जो एयर के कॉन्टेक्ट में है। तो इस सोप बबल के राइट पे भी एयर है, फ्री सर्फेस है, ये एक फ्री सर्फेस है, ये भी एक फ्री सर्फेस है, तो कितनी फ्री सर्फेसेज है? दो। तो सर्फेस टेंशन भी कितनी होंगी? दो। तो वर्क डन भी कितने होंगे? दो। तो एरिया भी इंक्रीज। अगर मैं इनसे पूछूं कि आपने कितना एरिया इंक्रीज किया, ये बोलते हैं हमने रॉड को एक्स खींचा, एल इंटू एक्स, हमारा एरिया एल इंटू एक्स। मैं उनसे पूछता हूं आपका कितना, वो बोलते हैं हमने भी एक्स खींचा, क्योंकि वो इनसे इंडिपेंडेंट है उस मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो एरिया भी यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, टू टाइम्स एल इंटू एक्स। जब दो फ्री सर्फेसिस होती है ना, तो एरिया भी ट्वाइस इंक्रीज होता है। अंदर के मॉलिक्यूल्स अलग एरिया इंक्रीज करेंगे और बाहर के
अलग, मतलब ये वाले अलग करेंगे वो वाले अलग। तो अब अगर मैं सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करूं, सरफेस एनर्जी इज क्या था, वर्क डन इन डिक्रीजिंग द एरिया डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन एरिया। तो वर्क डन इन डिक्रीजिंग द एरिया में टू टाइम्स टी इंटू एल इंटू एक्स, समझ आ गया, ट्वाइस क्यों, डबल अंदर और बाहर दोनों तरफ वर्क डन हो रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, एल इंटू एक्स का डबल, वैसे अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा, हार्डली मैटर्स। तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ टी। तो हाथ में फिर घूम फिर के टी पर आ गए, सरफेस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ ठीक है सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने का ढंग बहुत लंबा है, लेकिन न्यूमेरिकली अगर से को पूछा जाए कि कैलकुलेटेड सरफेस एनर्जी, जो उस लिक्विड की सरफेस टेंशन होगी वही उस लिक्विड की सरफेस एनर्जी भी होगी, यहां तक क्लियर है, तो वही उस लिक्विड की सरफेस एनर्जी होगी, यहां तक क्लियर है। बट एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या है, फिर से आप समझ रहे होंगे कि एप्लीकेशन मुझे कैसे फायदा हुआ, मैं कैसे समझाऊं किसी को मुझे सरफेस एनर्जी समझ आ गई, यहां तक तो क्लियर है कि मैंने इसको टी के इक्वल प्रूव कर दिया। दो चीजें समझाऊंगा जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने सरफेस एनर्जी क्यों की। करें स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, फ्री सरफेस को एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं। अगर सपोज करो आपके पास एक एयर बबल है, एक एयर बबल है, एयर बबल के अंदर क्या है, एयर है, बाहर भी क्या है, एयर है, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी अंदर के मॉलिक्यूल्स पे भी लगेगी एंड बाहर के मॉलिक्यूल्स पे भी। तो कितनी सरफेस टेंशन होंगी, तो इसकी कितनी फ्री सरफेसेस हैं, दो। यहां तक क्लियर है। सेकंड एग्जांपल है, सपोज एक वाटर का ड्रॉप है, देयर इज अ वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के अंदर क्या है, वाटर, बाहर क्या है, एयर, तो सरफेस टेंशन कहां लगेगी, सिर्फ आउटर मॉलिक्यूल्स पे लगेगी, अंदर तो लगेगी नहीं, अंदर तो वाटर है, तो कितनी फ्री सरफेस है, तो सरफेस टेंशन कितनी लेनी है इसमें, एक। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बार बार क्योंकि आपके न्यूमेरिकल ऐसे आने वाले हैं, या तो बबल के ऊपर आते हैं या फिर ड्रॉप के ऊपर आते हैं। तो जब ड्रॉप आएगा तो एक टेंशन, जब बबल आएगा तो टेंशन। नेक्स्ट केस है, सपोज एक बबल है ठीक। नेक्स्ट, लेकिन है किसमें, वाटर में कितनी फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस, क्योंकि सरफेस टेंशन सिर्फ यहां लगने वाली है, बाहर नहीं लगेगी क्योंकि बाहर क्या है, वाटर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग ना जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे बबल और रट्टा मार रखा होता है अच्छा खासा, बबल का मतलब टू टाइम्स और ड्रॉप का मतलब वन टाइम, तो वो क्वेश्चन देने वाला क्या करेगा, बबल को पानी में डुबो देगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, टू टी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन करना किसके साथ है, वन टी, देख के क्वेश्चन पढ़ के। पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है ना यहां तक। और एक और लास्ट केस, ये वाला जो अभी हमने किया सोप फिल्म वाला, इसकी कितनी फ्री सर्विस है, दो, ठीक। ड्रॉप का वाटर में सरफेस टेंशन ही नहीं, अंदर भी पानी बाहर भी पानी, तो फिर पानी के अंदर सरफेस टेंशन होती नहीं। याद क्लियर है सबको, देखो सरफेस एनर्जी प्रूव हो गई। मैं अब आपको एक काम करके दिखाता हूं, आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं कि आपके कंपटीशन में क्या न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जैक्टली, सरफेस एनर्जी के बेस पे। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13।
दो केस, दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ध्यान से देखो। पहला केस, फर्स्ट केस में एक बड़ा लिक्विड का ड्रॉप गिवन होगा आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझो, बड़ा लिक्विड का ड्रॉप होगा, वो कहेगा कि इसमें एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स कर दो, आठ ड्रॉप कर दो, तीन ड्रॉप कर दो, कुछ भी, लेट से आठ ड्रॉप्स कर देते हैं, ठीक, एट ड्रॉप्स तोड़ दो, तोड़ दिया। क्वेश्चन आएगा, अगर आप एक बड़े ड्रॉप को तोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ कितना करना पड़ा, ये आपको निकाल ले, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। जो बड़ा रेडियस है वो गिवन होगा, छोटा रेडियस गिवन नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, छोटा रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड बिकॉज वॉल्यूम दोनों के क्या रहेंगे, आर क्यू एट टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, तो समझो छोटा रेडियस आ गया, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें आके, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया और इसको ब्रेक किया, इस वाटर की सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया, क्योंकि वाटर का ड्रॉप क्या चाहता था, वाटर का ड्रॉप चाहता था कि मैं एक बड़ा ड्रॉप रहूं, वाटर का ड्रॉप अपने आप थोड़ा टूटेगा, वाटर के ड्रॉप को तो जाके तोड़ना पड़ेगा, वाटर का ड्रॉप अपने आप अच्छा वाला स्फीयर बना हुआ है बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है तो फोर्स है, फोर्स है तो अगेंस्ट दैट फोर्स आपको वर्क डन करना है, विशाल समझ आ रहा है। तो हमने क्या किया हुआ है इसमें, ध्यान से देखना, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन, एक ही बात है, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन, और हाँ वाटर की सरफेस टेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो भी गिवन होगी, सरफेस टेंशन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। एक चीज याद रखना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बड़ा ड्रॉप है तोड़ के छोटे छोटे ड्रॉप्स निकाल दिए, सारे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल ड्रॉप का एरिया, ये मैथ्स है। अगर आप एक ड्रॉप लेते हो, हाँ वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम, एक ड्रॉप का और आठ ड्रॉप का वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एरिया आठ ड्रॉप्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप, याद रहेगा, यहां तक करके देख लो, कोई रेडियस सॉल्व करके देख लो तो भी आंसर यही आएगा, याद रहेगा यहां तक। इसका मतलब अगर मैं एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में ब्रेक कर रहा हूं, इट मीन मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूं उसको ब्रेक करने के लिए, और मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन किस क्या कर रहा हूं, इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। अगर ड्रॉप टूट गए तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया इसका मतलब मैंने सरफेस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या है कॉन्सेप्ट, वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डेफिनेशन सही लगाई मैंने। और नेक्स्ट देखो, वर्क डन तो मुझे निकालना ही है, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, आठ ड्रॉप्स का कितना होगा, 4π छोटा आर स्क्वायर माइनस 4π बड़ा आर स्क्वायर, दिस इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता है, आपको कैपिटल आर की वैल्यू पता है, आपको वर्क डन निकालना है, आपको सरफेस टेंशन पता है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन। बात समझ में आई कि हाउ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, तो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया निकाल लेना, टी से मल्टीप्लाई कर देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वर्क, समझ में आ रही है बात, 4π आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4π आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4π आर स्क्वायर होता है, क्या तो क्लियर है। आगे देखो अमन, देखो अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट सरफेस एनर्जी का समझ आया फाइनली। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अब मुझे समझा सरफेस एनर्जी क्या है, तो आप समझा देना, क्या समझाओगे,
कि अगर तू मेरे सामने तीन लिक्विड्स, तीन डिफरेंट लिक्विड के ड्रॉप रख दे और मेरे को उसको ब्रेक करके उसको तोड़ना है, किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, किसमें कम वर्क डन करना पड़ेगा मैं निकाल सकता हूं। यानी कि लिक्विड की सरफेस टेंशन पे वर्क डन डिपेंड करेगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट कहां हेल्प कर रहा है? ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट इसमें? इसी का उल्टा क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आठ ड्रॉप्स थे, एट ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया। गिवन स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं गिवन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहां से कैपिटल आर कैन बी कैलकुलेट, आ गया कैपिटल आर। लेकिन अगर मैं आठ ड्रॉप्स को मिलाऊंगा, बड़ा ड्रॉप बनाऊंगा, तो मैंने एरिया क्या करी किया डिक्रीज किया, तो डेफिनेशन वही रहेगी, टी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इन डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो टी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई डिक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना, 8 इंटू 4 पाई। अरे न्यूमेरिकली तो एकदम सेम है, फर्क थोड़ा है कोई, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों की सेम है, बस डिग्रीज की जगह टर्म क्या यूज करनी है, इंक्रीज। ठीक, तो एक चीज सुनो, अगर कोई ड्रॉप, आठ ड्रॉप्स हैं या कोई भी ड्रॉप्स हैं, जब वो मिलते हैं तो उनको मिलाने के लिए वर्क डन करना नहीं पड़ता, आप उनको वैसे ही क्लोज ला दो वो अपने आप ही मिल जाते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं ऐसे केसेस में वर्क डन नहीं करना पड़ता, ऐसे केसेस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब ड्रॉप्स मिलते हैं एनर्जी रिलीज होती है, जब ड्रॉप को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट किसी को इसमें? तो क्वेश्चन आता है, मान लो आठ ड्रॉप्स मिल गए, एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी रिलीज, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी रिलीज। तो बताओ जैसी वो ड्रॉप मिला या आठ ड्रॉप्स बने या आठ ड्रॉप्स मिले, बड़ा ड्रॉप बना, बड़ा ड्रॉप मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी निकालो क्या। अब ऐसे कैसे होता, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट ना बताता आप मुझसे क्या पूछते, ऐसे कैसे होता सर आठ ड्रॉप मिले बड़ा ड्रॉप मिला कैसे भाग गया? ऐसे भाग गया क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हुई, जो भी एनर्जी रिलीज हुई जो आप निकालोगे इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी, वी आएगा वहां से, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रही है बात? और दिस चैप्टर कैन बी मर्ज विद थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज से बताओ कितना टेम्परेचर राइज हुआ, एमसी डेल्टा टी, जो हम अगले चैप्टर में करेंगे। बट पॉइंट क्लियर है एकदम, समझ आ रहा है इसकी एप्लीकेशन, समझ आ रही है एग्जैक्टली कि क्या एप्लीकेशन है? कोई डाउट किसी को इसमें? एक लास्ट दो मिनट लगेंगे सिर्फ, एक और क्वेश्चन आता है कि मैं एक बबल को, एक बबल फुला रहा था, जैसे एक चिंगम खा के एक बबल फुलाते हैं कुछ ऐसा, तो ऐसा करने में मैं क्या करता हूं, वर्क डन करता हूं अपने मुंह से, कितना किया ये निकालना है। ठीक, तो सेम चीज है, जब बबल नहीं फुला था तो रेडियस क्या था, मान लो आर रेडियस का बबल फुला दिया, तो पहले एरिया क्या था, जीरो, बाद में एरिया क्या होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया क्या हो गया, फोर पाई, ये हो गया। तो सरफेस टेंशन बबल की टी ए मान लो इज इक्वल टू वर्क डन जो मैंने उसको फुलाने में किया डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, क्या जाएगा, वर्क। समझ आएगा? तो एक मुंह से जब बबल फुलेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये भी आप निकाल सकते, कोई डाउट इसमें? आइडिया क्लियर है? ठीक, तो इसके ऊपर एक तो कल नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एक टॉपिक और रह गया एसेंट फॉर्मूला, इसके साथ सरफेस टेंशन क्लोज करके आराम से, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लोज करके फिर थर्मो आराम से उठाएंगे, ठीक है ना?